आप हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें अगर अच्छी लगे तो। चलते हैं दोस्तों वीडियो जनाब, वीडियो है आई थिंक द मिस्टिकल लैंड उसकी वीडियो है और अभिनंदन पर यह वीडियो है, स्पेशली व्हाट हैपेंड टू अभिनंदन। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर करते हैं अपनी बात। साल था 2019 और दिन 1 मार्च। दुनिया के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में दो देशों के बीच जो हो रहा था उससे एक बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने थे और इस बार जंग की वजह बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत का इरादा साफ था कि वो अपने कमांडर को भारत लाने के लिए कुछ भी करेगा, मगर इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी रोजाना होने वाली बेटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो फिर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन रात 8:45 पर पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पहली झलक दिखाई दी। रात 9:21 पर अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद उनके पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब में एक सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान भारत के इस जाबाज सैनिक को वापस करने के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के दरमियान ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है, और आखिर अभिनंदन के साथ उन 58 घंटों में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैरों से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था, इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ ये था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है, देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने भी प्लान बना लिया था कि वो पाकिस्तान को सबक तो सिखाएगा, इसलिए उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब रात को पाकिस्तान को इससे पहले पता भी चल पाता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में विरोध उठ चुका था और इसी के जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, इसलिए पाकिस्तान के ये विमान जब भारत की बाउंड्री में घुसे तो तुरंत जमीन से उन्हें जवाबी हमला मिला, जिसके चलते 9 पाकिस्तान विमानों को तो जल्द ही सीमा में लौटना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश की। बस इसी का बचाव करने के लिए भारत की ओर से MiG-21 Bison भी मैदान में उतर गया, और इसी मिग प्लेन में थे हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन। आसमान में इन्होंने अपने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। इसी के तहत F-16 और MiG-21 में ऐसी खतरनाक डॉग फाइट हुई कि इस लड़ाई में F-16 के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सही समय पर अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट से नीचे आ गए। वो बच तो गए, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना और कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहां उन्होंने लोगों से ये पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। गांव वालों ने कहा भारत है। अभिनंदन ने सच्चाई जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद, लेकिन गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है, तब एक ग्रामीण ने कहा था होरान गांव पीओके। ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी, गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन समझ गए कि वो पाकिस्तान में है और अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं,
इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। अबले देकर आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें उन्होंने पानी में भरकर खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लगें। इतने में गांव वालों ने भी अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दे दी कि भाई भारत का एक पायलट यहां गिरा है। जल्द ही आर्मी के दो जवान या अफसर वहां पहुंचे और वहीं पर उनसे पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, आईडी नंबर 27981। इस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इधर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत भी अपने इस सैनिक को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। उनकी तरफ से अभिनंदन को वापस लाने की कई कोशिशें की जा रही थीं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है मेडिटेटिंग शिवा की अद्भुत मूरत, जो आपके दुखों को दूर करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो अगर आप भगवान शिव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हर वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो अभी www.theartarium.com पर जाएं और मेडिटेटिंग शिवा को अपने घर पर ले आएं। आप हमारा कूपन कोड Mystica10 का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ें। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान उड़ा रहे थे। यहाँ अभिनंदन भी जानते थे कि वो ये जानकारी पाकिस्तान आर्मी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। इसी दौरान होरान गांव के किसी ग्रामीण ने भाई सोशल मीडिया पर अभिनंदन का पकड़ने वाला वीडियो जो है वो डाल दिया। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत को कन्फर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे थे। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाएं। दरअसल जिनेवा संधि के तहत किसी युद्ध बंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्ध बंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूतों के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने कई तरीकों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की सख्ती के आगे वो ऐसा ना कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर भारत ने ये स्ट्रांगनेस पाकिस्तान को कैसे दिखाई? आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था? बल इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वो हर कोशिश कर रहा था जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, और इसी के तहत उन्होंने P5 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की जा रही थी, और इस बातचीत का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। जब इसी के तहत लगातार पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों की ओर से फोन जाने लगे, तो पाकिस्तान दबाव में नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एक्सविथ ने पाकिस्तान में वहां के अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों को बताया कि वो पाकिस्तान के वार्ताकारों को बता दें कि भारत झुकने के मूड में नहीं है। यदि उसे और गुस्सा दिलाया गया तो बात युद्ध तक पहुंच सकती है। इस बीच चीन ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। उसने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो इसे डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था, तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में US, UK और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी थी। सभी राजदूत जंजुआ को ये समझा रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर जंजुआ के पास एक नोट आया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। वो अपने पायलट को ना छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं।
पाक विदेश सचिव ने यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि प्लीज ये बात आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे, कोई भी इस तनाव से नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध ना छेड़ दे। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है, वो अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे और इस तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने को तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से भारत में खुशी और सुकून की लहर थी तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ सांसद और मंत्रियों से बंद कमरे में बात की थी। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था लेकिन बाजवा और इमरान के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते वो बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आप उस पायलट को सलामत जाने दें, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस नानुकुर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद तो मानो भारत में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तरह देखने लगा और देखा जाए तो ये भारत की जीत ही थी क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इस तरह भारत के आगे झुक रहा था। इसलिए भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि अभिनंदन को लेने के लिए एक विमान इस्लामाबाद जाएगा मगर पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो दोपहर 2 से 5 बजे वो वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आएगी। फाइनली तय किया गया कि एयर अटैची ग्रुप कैप्टन जॉय कुरियन वाघा जाएंगे। जॉय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही तैनात थे, उनकी स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन के कारण भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर संपर्क में थे, वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया वाघा अटारी बॉर्डर पर दोपहर से ही जम गया था। रात 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से जीतने में सफल हो पाया। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। तो जी दोस्तों, वीडियो तो हुई खत्म। मतलब ये पूरी की पूरी कारगुजारी है जिस तरह मतलब के इंडिया ने प्रेशर बनाया था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की तरफ कहा जाता है। ये जो नाम आया अजय बिसारिया, ये उन्होंने बुक भी लिखी है, उसमें सारी की सारी जो है ना बातें डिस्कस हैं ये के, बल्कि ये डिस्कस उस अजय बिसारिया की बुक से क्या प्रूव हुआ है। हमारे अपने कौमी असम्बली के सेनेटर अयाज सादक ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट आई थिंक या कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली खड़े होकर ये कहा था कि बाजवा साहब आए थे, बाजवा साहब के माथे पर पसीने थे, टांगे कांप रही थी। ये और रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अपोजिशन किसको कहती है, उनके अगेंस्ट कौन थे? वो पीटीआई थे। पीटीआई थे, उसने नाम किसका लिया था? उसने यार इमरान का एक्सपोज हो गए। ये मेरा पॉइंट मेरे दिमाग में पहले नहीं आता था जो तुम इस पर मुझे काउंटर करते थे, इसका मैंने जवाब धाड़ लिया है। मुझे पता सच भी यही है, अयाज सादक ने काउंटर करना था पीटीआई को, यानी कि इमरान खान को। इमरान खान तो गई नहीं इजलास के अंदर, तो उसने नाम किसका लिया? उसने नाम लिया, उसने नाम लिया जनरल कमर जावेद बाजवा का। वो कोई पार्टी नहीं थी, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की स्टेट थी, यानी कि पाकिस्तान की स्टेट के हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीने थे। वो कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने ना इमरान खान का नाम लिया, ना शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया। ये बाला को स्ट्राइक, ये वो स्ट्राइक, उधर की स्ट्राइक, स्ट्राइक को छोड़
असल में खुशी तो मनाई जाती है तब अगर आपका पायलट हमारे किसी जहाज को तबाह करता वापस F-16 को तबाह किया, वो तो आपकी कहानी है, जितनी मर्जी करी जाओ। ऐसी कोई बात होती तो मीडिया पर सुरक्षा आ जाती मेरे भाई, मीडिया कभी नहीं चुप रहती, जिस मुल्क में भी हो मेरे भाई। इसके सबूत अगर तुम कहते हो तो लोग सके की वीडियो है उसमें बुलाई है, तो बात यकीन नहीं करता। ऐसा झूठ बोलते इतना सख्त रहकर क्या बात कहनी आपको। चले बात पर्पज मेरा ये बात करने का कि अयाज सादिक ने कहा और अजय बेसारिया ने भी लिखा लिखा है बुक अपनी में कि पाकिस्तान के स्टेट के जो थे पसीने छूट गए थे। यार बाकी छोड़ो वो हमें सभी पता है, वीडियो की बात करें तो ये सारा जो है ना, हमने काफी वीडियो से सुनी यार, इतना झूठ इस मुद्दे पे आज तो हमने देखा है जो हमारी आंखों के सामने है। और मुझे लगता है जो पिछली वॉर्ड के बारे में कहते वो भी इस तरह इसमें क्या झूठ है, ये तुम्हें मैं 100 झूठ गिनाता हूँ, सिर्फ 10 गिनाने हैं, 10 भी गिना सके ना ना गिना सके तुम्हारी फिर मोड़ वो हाल करने दे, शैतान का हाल होता है झूठ बोलने वाले का। आप गिनते रहना, पहला झूठ ये है उसने बोला है, वो कह रहा था कि एक जो इंडियन एयरफोर्स जाती है पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर तक चली जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स को पता ही नहीं होता भाई, उनके रिडार जो वो भी सोए होते हैं और चले ये तो मान लेते हैं कि सोल्जर सोए होंगे। पाकिस्तान ने रिस्पांस किसका किया था यार, बात सुनो इसका पहले जवाब लेते हैं, मुझे समझ आई तुम पर पांच उठाया कि इंडिया ने कहा उस भाई वीडियो भाई ने कहा कि 80 किलोमीटर अंदर की पाकिस्तान किधर थे, इंडिया ने ये रिस्पॉन्स को दिया था पहले अभी इसका जवाब दे पुलवामा का, फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्स ने झूठ कहा मैं तुम्हें झूठ गिनवा रहा हूं, ये हौसला हौसला ब्रेक ले लो मेरी पर इस सवाल का मैं तुम्हें फक्की दे दूं, पाकिस्तान ने क्यों स्ट्राइक बैक की थी, किस वजह से की थी पुलवामा, हालांकि इंडिया के खिलाफ हुआ था फिर पाकिस्तान ने स्ट्राइक क्यों करनी थी, पाकिस्तान ने किसी स्ट्राइक के जवाब में स्ट्राइक की थी ना, ये तुम नहीं ये पाकिस्तान की अपनी आर्मी भी मानती है कि हमने इंडिया के स्ट्राइक के बदले में स्ट्राइक की थी, यही तुम एक्सपोज हो गए हो। उसके जवाब में पाकिस्तान पायलट्स ने इंडिया का जो है ना ताकुब किया, इंडिया में जाकर स्ट्राइक करने की कोशिश की, यह बात हमारे चैनल पर तुम हर ये वीडियो है सारे झूठा करा दो आगे चले, यानी कि इंडिया ने का जो स्ट्राइक की थी उसके रिस्पॉन्स में अच्छा तो एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लगाओ, जो तुम्हारी पहली बात ही गलत हो गई, पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक बैक की थी वो इंडिया की स्ट्राइक के नतीजे में स्ट्राइक बैक की थी, ठीक हो गया। पहले तुमने ये कहा पता नहीं चला इसके बाद पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने तब इसका जवाब दिया था, सर भाई अब तुम बोलो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब आएगा, हो गया तुम्हारे चैनल पर अगर नहीं मौजूद आ रहे हो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो ये झूठ ही है तुम्हें, इंडिया हमें पता नहीं चला, इंडिया आया था ये बात सच है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे चैनल टीवी चैनल कह रहे हैं, जिसका नतीजा में तुम्हारी पाक फौज ने रिटेलिएट किया था दोबारा सुबह को फिर स्ट्राइक की थी, इसको अच्छा ये मैं चाहे के न्यूज़ इतने दहशतगर्द हो रहे थे इंडिया ने अटैक के बदले में यहाँ पर बताया गया, कितने मारे यहाँ तो को नहीं बताया इधर नहीं बताया, मतलब इधर को नहीं बताया, इधर तो इसने कहा जो मिलिटेंट के जो रेजिडेंट्स थे वहां पर हमला किया गया, इस वीडियो में कोई नहीं बताया, इधर को नहीं बताया, तुमने कहा है ना एक पॉइंट में झूठा करार हो गया, आगे चलो दिलीप पाकिस्तान ने स्ट्राइक क्यों की इंडिया ने, कैसे टांग उड़ाई है उसने स्ट्राइक की और साथ हाँ इंडिया ने स्ट्राइक की थी या स्ट्राइक हुई थी फिर पाकिस्तान ने की, फिर कहते कि पाकिस्तान जो है वो पुलवामा में हुआ था 40 दुकान जी, मेरी एक बात का जवाब बात क्लियर हो जाती, बात ये है कि जब 300 तो को छोड़ 200 100 भी छोड़ 10 बंदे, अच्छा भाई इस वीडियो में जिक्र भी आया 10 बंदे, मैं तो बात नहीं करूंगा यार, दो आदमी को भी कर लो तीन को यार, मैं वीडियो सुन रहा हूं सारे होंगे ना जो आप कहते हैं, असल भाई मैंने इस वीडियो में तो कहा भाई ने कहा इतने मारे, मेरी बात सुनो स्ट्राइक मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस वीडियो में भाई ने बोला उसने कहा कि हमने स्ट्राइक की, उसने तादाद बताई या तादाद को छोड़ मारे है ना, इसने कहा कि हमने स्ट्राइक की है, अभी भी वीडियो सुन लो, पर इस वीडियो को मैं मानता हूँ एक मिनट में बात सुन, इस वीडियो को छोड़ हमने कितनी वीडियो इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं, रामतला कर चुके हैं ना, कर चुके हैं, चलो तादाद को छोड़ो कुछ मारे है ना,
अगर उन्होंने मारे हैं तो जाहिर बात है वो लाशें या उनकी हड्डियां या उनके कुछ सबूत जो पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद होंगे के पास होंगे या कोई क्लिप वगैरह तो वीडियो कोई हड्डी एक इंसान को उठा कर ले जाते हैं। अच्छा भाई तुम वीडियो के बाहर जा रहे हो, वीडियो के बाहर जा रहे हो, ये सच बोल रहा है भाई, कुछ तो करते वीडियो के बाहर जा रहे हैं, कहा जाता है कि उसने बोली नहीं है कि हमने इतने मारे हैं। मैं तो वीडियो की बात करूंगा, मैं इस वीडियो की बात नहीं करूंगा, तुम अपने पास करते रहो, मैं इस वीडियो की बात नहीं करूंगा, मैंने जो इसके बारे में अच्छा ये सवाल मैं भी पहले उठा चुका हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, जो मानता हूँ वो अच्छा दूसरा पॉइंट उठाओ, दूसरा उठाओ, एक मिनट अब इसका पहला जवाब दे दिया कि पाकिस्तान स्ट्राइक की थी, इंडिया स्ट्राइक की थी, मेरा जवाब इसका जवाब नहीं है मेरे पास, मैं ये सवाल मैं खुद पहले उठा चुका हूँ। तो क्या जवाब मिला आपका? कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुमके पास एक जवाब है, इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि डेढ़ महीने तक, डेढ़ दो महीने तक कोई मीडिया जाने नहीं दिया हमने, हमारी आर्मी ने, यार बॉर्डर के नजदीक तो वैसे मीडिया नहीं जाने देते, ये तो आपको पता है मुझे नहीं पता। अच्छा भाई जो है ना जब स्ट्राइक होती है डेढ़ महीना अगर उधर मीडिया नहीं जा रहा तो उसका मतलब है कि सारा बंदोबस्त उधर सारी के सारे सबूत खत्म कर दिए। कश्मीर में जो लोग मारे जाते हैं दहशत गर्द हो सवेरे जो भी हो उनकी तस्वीरें कितने दिनों बाद आती हैं? अच्छा धमाके की बात है, वीडियो मुझे बताओ कितनी मरतबा तुमने देखी होगी, एक वीडियो नहीं मिलेगी तुम्हें वहां से। अच्छा एक आराम से झूठा है, पहले पॉइंट में आगे पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों दो, पाकिस्तान एयर फोर्स है उसको पता नहीं कि हमारी कंट्री में कुछ यार उनको वो चढ़े बड़े हल पर पाकिस्तान, तुम भी चढ़ो और तुम्हारी इंडिया की जो तुम अकेले बोले वो भी चढ़े चढ़े हमें पर मेरा मुंह तो पता ही है चला है हमें पता है आ गए हैं बातें करते हैं। अच्छा चलो आओ अब सब पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की, मुझे तेरे बारे में पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की उधर मुझे ये जवाब, एक सेकंड जो इसका मुझे जवाब दे, मुझे पूछ लेते स्ट्राइक क्यों की, जवाब देता हूं तुम्हें बताओ। स्ट्राइक हमेशा कौन का कोर्ट होती है, जब आपके मुल्क में कोई इंटर होता है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपके मुल्क में इंटर होंगे लोग आपको पता नहीं चलेगा, वो भी जहाज जो इंसान बॉर्डर क्रॉस करता है वो अलग अलग होता है, हवा में आपके जहाज आ रहे हैं तो रात को जहाज नजर आएंगे, वो ऑन द स्पॉट मुकाबला हुआ होगा। मैं इस बात से भाई मुझे सिर्फ ये बताओ पाकिस्तान स्ट्राइक की किसके जवाब में की, कोई इंडिया ने स्ट्राइक की होगी ना, इसी बात को ये तो कह सकता हूँ इंडिया ने स्ट्राइक की होगी, अगर स्ट्राइक हो रही थी तो उसके मुकाबले में उसी वक्त स्ट्राइक होगी, उसी वक्त नहीं ना कि इस बात 9 बजे की, यार ये आप भी कह रहे पाकिस्तानी मीडिया ने बात की, हाँ अभी पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, इंडिया नहीं आ रहा अफगानिस्तान नहीं आ रहा, हालांकि कोई ऑफिशियल बयान आया है मीडिया को, मैं किस मुझे सिर्फ ये बता दो पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की, वो स्ट्राइक नतीजे में की होगी ना, मैं यही बात कहता हूँ, अगर पाकिस्तान की आर्मी का दिमाग खराब था मेरी बात सुन, अगर स्ट्राइक होने लगी है मेरे मोटी सी बात है, इतनी सी मोटा आकर बच्चे को बता दो ना कि यार एक बंदा है एक पग है साबित करने जा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दे पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की, जब बात वो जहाज इंटर हुए तब उनके मुकाबले में आ, मुझे बता दो पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की किस जवाब में, इंडिया ने अगर स्ट्राइक शुरू किया तो उसके मुकाबले उसी वक्त नहीं पैदा तुम्हारी, अगर तुम्हारे मीडिया तुम्हारे हाँ इस पर भी आ रहे लाख लाख चैलेंज है तुम्हें बड़े करते चैलेंज, तुम्हारे आर्मी चीफ ने और सॉरी DGISPR ने माना हो इंडिया ने रात को स्ट्राइक की थी, तुम्हारे क्या जुर्माना 76 पड़े फिर समेत रहमतुल्ला को भी इसी पर कमाल करते हो यार, खबरें मीडिया देता है, पहला एक्सपोज हो गया रहमतुल्ला का, पहला झूठ एक्सपोज हो गया, दूसरा बोल दूसरे दिन मैं दलील के साथ और बयान होता है, दलील के साथ और होता है, दलील के साथ तो फिर तुम सारे झूठे हो तुम, तो फिर ये 12F16 भी मारा होगा तुम्हारे, फिर मिलिटेंट भी मारा होगा, तुम खुद ही आते DGISPR झूठा कर रहे हो, मुझे ये बता पाकिस्तान स्ट्राइक क्यों की है, जितनी मैंने ये वीडियो देखी है इस वीडियो में ना कहीं तादाद बताई गई है ना ये बताया गया किसने मारा कौन, एक इंसान के नाम आ रहा है बार बार, तो मेरे भाई वो कौन सा तुम्हारी जंग जीत कर वापस चला गया, तुम जो उनके रिहाई। अच्छा रहमत तो दूसरा पॉइंट ले लो पहला कि मैंने दे दिया। अच्छा दूसरा देखिए हैरान 100 कहा था मैं 10 कर दिए, झूठ पहले ही झूठ बोले 100 पहला झूठ ही बोल दिया 100 मैंने बोल मैंने फिर तुम्हारे पर थोड़ा रहम किया 100 कर दिया मौका दो भाई यार ये खुद सच तुमने कहा कि मैंने झूठ 100 झूठ तुमने अपनी बात पर यार झूठे पर मैं से झूठा तुम एक्सपोज 100 कहते हो ना 100 मैं झूठ निकालूंगा 100 ऐसे कहा था वीडियो शुरू में मुझे 100 की बजाय 10 निकाल दो पहले तुमने किया मैंने दलील के साथ उसको रद्दी में टोकरी में फेंक आगे दूसरा बोलो दूसरा झूठ कौन सा
दूसरा ये है, वो ये भाई कह रहा था कि अभिनंदन जो है वो उड़ता है तो जब गिराया जाता है पाकिस्तान में गिरता है रिटेलिएट होने के बाद, उसके पास सबूत होते हैं, ऐसे सबूत जो होते हैं वो कंट्री के जो होते हैं खुद के सबूत, वो लेके बाद उसे कह बहुत बंदा जाता है एक पायलट का, वो हो गया कह बाप रहा था कि मैं बाप। एक नहीं कुछ वो भागता है और कुछ जो है वो नदी में बहा देता है, कुछ खा लेता है अभी अंदर। तुम बच्चे हो पढ़ो थोड़ा सा, राशिद मनास की स्टोरी पढ़ी है? तुम्हारा अपना पायलट था वो, उसका जो कमांडर था या उसका जो ट्रेनर था, वो क्या चाहता था कि वो सबूत लेकर इंडिया को लेकर जाए? या एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा। वो था ऑन द ट्रेनिंग, वो बंदा जिस उसके जहाज में इंटर हुआ, हो सकता है कि उसने अपने पास जो उसके पास मौजूद थे वो उस ट्रेनिंग के जरिए वो जहाज के जरिए जाना चाहता हूँ मेरे भाई। असद ऐसा नहीं होता कि बच्चों की तरह बातें खुदा के समझाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक जितने जितने कमांडर होते हैं विंग मेरे भाई उसके पास, असद भाई बच्चे वाली बात खुदा रहा ना करो, खुदा का वास्ता बच्चे वाली जान बुझ के आपकी पिचकारी डाल रहे हो। तुम्हें सब पता है जितने विंग कमांडर होते हैं जो पायलट होते हैं उनके पास राज होता है, राज नक्शे होते हैं, खुदा का वास्ता रब का नाम है, पढ़ लो। जब नक्शे होते हैं नक्शों के मुताबिक जहाज चलते हैं, उनको कहीं पढ़ते भी हो? वो तो मैं होता है ना जो स्क्रीन के जरिए चलता है और पीछे से कंट्रोल। तुम मानते हो कोई राज नहीं होते? तुम मानते हो कोई राज नहीं होते? तुम्हारे अंकल रहे फौज में होते होंगे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वॉर में लेकर जा रहे हैं और किधर लेकर जाते हैं तो उनको दुश्मन को दिखाते हैं। वो राज क्या होते हैं? वो रोज राज क्या होते हैं? जो भी वो तुम अपने अंकल से पूछना, तुम्हें फिर 100 जूते मैं मारूंगा। उससे पूछना जो हमारे एयर पायलट होते हैं उनके पास राज होते हैं कि नहीं होते, अगर वो कह दिया कि होते हैं फिर तुम्हारी सजा क्या? हम उन रिटर्न फॉर्म में होते हैं लेकर जाते हैं दुश्मन के पायलट के पास होते हैं, होते हैं सब कुछ होता है। और यार बच्चा बैठ गया मेरे साथ, कल फिगर लाओ अपना, जाते अंकल से पूछ कर मेरी बात सुनो, बचा रही है ना, इधर भी झूठे हो गए। अगर तुम करते हो तुम्हारा क्या है? मैं रखा तो यार वो क्या होता है, ये तुम्हारा अंकल अगर झूठा तुम्हें करार दे दे फिर तुम्हारी सजा क्या? और यार मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे एक बोलो होती है ना पैदल जाती है दूसरी कंट्री में इंटर होती है, उसके पास लक्ष्य होता है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है भाई, सबूत होते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर उस मुल्क का पूरा लक्ष्य बनाया गया उस एरिए का जिस एरिए में वो जा रहे हैं, ठीक है, वो वापस किस रास्ते से आते हैं अगर ये पकड़े जाओ। अच्छा भाई ये तुम्हें भी पता है सबूत होते हैं उनके पास, राज होते हैं, राज होते हैं, राज होते हैं, मैं भी होता है तो मैं में ऐसा कौन से इतना बड़ा राज होगा इतना मतलब के दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचा, और दूसरी बात किस तरह मैं किस तरह का, दोनों झूठे हो गए। मैं होता जिस तरह इसका जवाब मैं तुम्हारे तुम्हारे में चचा पर छोड़ता हूँ, अगर तुम्हारे चचा का मान गए मैं फिर इन कैमरा आकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। यार मेरा दूसरा झूठा, तीसरा चलो एक मिनट एक मिनट, तीसरा चलो इसका तीसरा बोलने दो, 10 कहा था हाँ बिल्कुल, तीसरे आ गए मुझे याद है। अच्छा तीसरा ये है, वीडियो में जिस तरह कहा गया है कि पाकिस्तान से 10 जहाज उड़ते हैं, 9 वापस आ जाते हैं, 10वां जो है वहां पर गिर जाता है तबाह हो जाता है, लाउ बस बोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया, मान जाओगे इंटरनेशनल कहलाऊंगा, इंटरनेशनल कहलाऊंगा, मानना है फिर मान जाओगे। चल तुम्हें अल अजीज की पार्टी पढ़नी है सर भाई, गवाह रहना, ये पहले भी मुकर जाता है, ये कसम खुदा के बच्चा है अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है हमारे लिए, इधर उधर मानता है फिर कहता नहीं नहीं मैं भी नहीं मैं ही मानता नहीं, इधर मैं नहीं मानता उधर मान जाता है, इसकी मुझे समझ नहीं, कंफ्यूज बच्चा है, इधर मानता है उधर कहता मुकर जाता है। यार मैं तो बस ये ऐसी बातें की है। अच्छा वो जहाज की वीडियो, जहाज की वीडियो आप इसका इंटरनेशनल सबूत मैं दूंगा, इंटर जो तबाह हुआ पाकिस्तान का F-16 जिस कंपनी ने बनाया था उसकी सीटें आती है तुम्हारी इंजेक्शन एजेकुलेशन सीटें आती हैं, आई थिंक मुझे लगता है जर्मनी से या फ्रांस से, उनकी कोई कंपनी है उसका नाम मुझे लोग से उसका नाम भी दिया, वो इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल है, वो कोई आम इदारा नहीं है, उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का एक F-16 हमारी एक सीट जो है वो कम है, F-16 कम है पाकिस्तान के F-16। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक ड्रामा बनाया, उसमें पाकिस्तान ने कहा भी हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ था, खुद माना फिर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान खुद फिर माना है। हाँ हाँ वही बात होगी कि आपके पास कोई सबूत होंगे जिस एरिया में गिरे होंगे, फोटोज वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ तो होगा ना इंडिया वालों के पास, तो वो आवाम हमें बताएगी ना, वो देख लिंक साथ में। अच्छा उसके बाद एक बात और आ गई, मान आ जाए इस पर बैठ लगा ले, एक बात और जिस कंपनी वो एजेकुलेशन सीट बनाई है यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो इंटरनेशनल, हाँ ये भी क्लेम किया उसने,
इस पर यार बात करने भैया मतलब कितना झूठ हो गया। आगे इंडियन वो पिक्चर हमें दिखाएंगे वो तस्वीर दिखा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इंडिया क्यों दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा। अच्छा एहतराम या इज्जत, हम जनरल आप कहते हैं बार बार कि 93,000 पाकिस्तानी आर्मी वाले जनरल वो गिरफ्तार हुए और जनरल न्यागी को आज किसी ने तबका इंतजार देते हुए सुना है। हाँ, तो फिर ये बेगैरती है दोनों मुल्कों की तरफ से। हाँ देते हैं, बंदा हार कर आता है उसको क्या कहेंगे, आपके न्याजी को तमगे मिले हुए तो यही बेगैरती तो उन्होंने भी कर दी, वो जहाँ पर गिरा है डिफरेंस है, पकड़ा गया। असल में डिफरेंस है न्याजी और अभिनंदन में डिफरेंस है, न्याजी बगैर लड़े उसके पास सामान साजो सामान था, उसने सरेंडर किया से भाई मेरी बात कंप्लीट होने लगा और खुद नहीं किया, 93,000 को भी करवाया, सामान भी था दो हफ्ते का, ये उसके ऑन रिकॉर्ड भाई रॉन्ग रिकॉर्ड उनकी बयान में आता है, मैं उसके न्याजी की बातें कर रहा हूँ। उसने कहा भी हमारे पास दो हफ्ते का भी सामान था लेकिन हमें ऑर्डर मिले सरेंडर करने का, हमें सरेंडर कर दिया। अब अभिनंदन देखिए, अभिनंदन लड़ते हुए उसके उसके जो है ना जहाज को लगा मिसाइल लगा ये जो भी लगा हिट किया, उसने सरेंडर नहीं किया। अच्छा उसको मिसाइल लगा वो गिरा, उसने जैकुलेट किया, उसने ये नहीं कहा कि लो बेटे मुझे खुदा के लिए माफ कर दो मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, डिफरेंस है भाई अभिनंदन सरेंडर नहीं किया। अच्छा अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया, आप इस बात पर एग्री, वीडियो में क्या बताया गया कि उन्होंने एक पिस्तौल निकाला और हवाई फायर किया जब उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूं। अच्छा उसके बाद वो इंसान कहते हैं दरवाजा और नदी में कुछ समुद्र गायक में कुछ खा गया, ये तो जब उसके पास पिस्टल था मेरे भाई हथियार था ना तो उसको गांव वाले रहते थे इस बात का पूरी वीडियो में बयान है, तो मेरे भाई अगर उसके पास पिस्टल था तो क्या उसको डिफेंड नहीं कर सकता था, असल भाई धीर गति नहीं प्राप्त कर सकता था, पर हौसला इसका इसकी चपेट है मेरे पास, क्या आम आर्मी बंदे को सिविल पर गोली चलाने का होता है इजाजत होती है, अपनी जान बचाने के लिए होती है, उन्होंने उन्होंने फायरिंग खोल दी थी, मैं वही बात कहने वाला था जो मुझे ये बता दो उसने सरेंडर किया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको पकड़ा गया, पहले तो वो फजाओं में लड़ते हुए उसका जहाज तबाह हुआ। अच्छा भाई झूठ खुदा की कसम झूठ, तुम दाढ़ी सुनकर रसूल रख का झूठ मार रहे हो, तुम दाढ़ी रख के सुनकर रसूल रख है, मुझे ये बता दो क्या सरेंडर किया था उसने, उसने सरेंडर किया दो, आपने वीडियो में कहा था, मुझे ये बता दो सिविलियन 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 जो है उसको मारने की इजाजत होती है आर्मी को, अपनी जान बचाने के लिए मार सकते, वो जान ले रहे थे लोगों वो किससे के बदले होते, पढ़ो खुदा का वास्ता, पढ़ लिया खुदा का वास्ता, मैं डाल दो आपको पढ़ा था, आप वीडियो को खराब करना चाहते हैं, बात नहीं है, मैं मुझे ये बताओ सरेंडर किया आपने, कहो खुदा की कसम उसने सरेंडर किया, सरेंडर किया मेरे भाई, ऐसे सरेंडर होता है आम आवाम के सामने भी किया, उसके पास लड़ने के लिए उसके लड़ने के लिए हथियार था। अच्छा उसका औजार क्या था, उसका औजार सबसे पहली बात जहाज था, उसने वो सरेंडर किया, मैंने जो नीचे वो गिरा उसके बाद की बात, चले वो कितना तो मार लेता, उसके पास छह गोलियां थी कितना तो मार लेता, लड़ता लड़ता मर गया था, मरा ही था नहीं उसको, 50-100 बंदा आ गया सिविलियन पर, एक पहली बात है गोली चलाने का ऑर्डर नहीं होता, ये विजय मेरा ये तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बच्चों वाली बात ना करो, ऐसे ऐसे बेधरती है, ऐसी हमारी पाकिस्तानी की चूतियापन है, हम नीचे पड़े हुए लॉरियों की तरह कुत्तों की तरह छितर भी खाते हैं और भौंकते भी, ये बकवास जो आप कर रहे हैं ना ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप छितर भी खाए हैं फिर भी नहीं मानते, पकड़ा पिस्टल होने के बावजूद लाख दी लानतों से आदमी उसने फायर किया, क्योंकि उसको उसको सिविले पर फायर करने की इजाजत नहीं थी, ये आप ही जानते हो, वो पायलट कौन सा है जिसके पास हथियार है, वो सरेंडर कर दे मेरे भाई, सरेंडर नहीं किया, असर भाई ऐसे पिचकारे नहीं जा रहे, असर भाई ऐसे पिचकारे नहीं, जूते पड़े तुम्हें 93,000 को, उन्होंने पतन क्या क्या मारा होगा, सर मारा होगा उसको, अंदर तक डाला होगा फिर सरेंडर किया होगा, 93,000 जैसे, और एक तरफ अभिनंदन लड़ते हुए उसका जहाज लगा उसका डिफेक्ट हो गया, दूसरी तरफ जिस